में सपा को सबसे ज्यादा वोट मिले और इस वजह से सपा बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ गई है। ऐसे में यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिस यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, जो बीजेपी के लिए सबसे आसान राज्य माना जा रहा था, उसी यूपी में बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गई और बीजेपी पूर्ण बहुमत तक नहीं पा सकी। बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ का इस पर कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में उनकी चुप्पी पर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। यूपी में मिली करारी हार पर दो दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुप नहीं है। भले वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी फहरिस्त तैयार कर रखी है। अगर हार पर उनसे कोई भी सवाल जवाब होते हैं तो योगी साफ कह सकते हैं कि उनकी सुनी ही नहीं गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभी तक 10 सालों तक ये देखा गया कि पीएम मोदी जो कहते थे पार्टी में वही होता है, लेकिन इस बार की सरकार में बदलाव देखने को मिलेगा, पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, क्योंकि अब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार और पार्टी में कई केंद्र दिख सकते हैं जिनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के नतीजों के बाद मंगलवार शाम को सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें नतीजों को लेकर हार की समीक्षा की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।